नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। विजयनगर थाना अंतर्गत कृषि उपज मंडी में देर रात शातिर चोरों ने दुकान की पीछे से ईंट हटाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। शातिर चोर मंडी की दुकान से गल्ले में पड़ा करीब 5,000 कैश लेकर फरार हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मंडी में हो रही चोरियों की वारदात से व्यापारियों में खासा रोष है। उनका कहना है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो सभी व्यापारी हड़ताल पर चले जाएंगे। विजयनगर थाना प्रभारी संदीपिका ठाकुर ने बताया कि कृषि उपज मंडी में चोरी की घटना सामने आई है। चोर ज्यादा कुछ नहीं ले जा पाए। मामले की जांच जारी है। मंडी में चोरी होने की खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते मौके पर व्यापारियों का जमघट लग गया। पीड़ित ने बताया कि दुकान के पीछे की ईंट निकालकर चोर अंदर घुसे और कैश में हाथ साफ कर फुर हो गए। यदि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो सभी हड़ताल पर जाएंगे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मैं कृषि उपज मंडी मोहन एंटरप्राइजेज से बोल रहा हूँ। मेरे कृषि उपज मंडी में आज तो मेरे यहाँ पर चोरी हुई है। इसके पहले भी पूर्व में भी मंडी प्रांगण में कई जगह चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है और आज मेरे यहाँ भी दुकान में यहाँ पर क्या बोलते दीवार तोड़ के अंदर प्रवेश किया गया। उसके बाद में मेरे ऑफिस का लॉक तोड़ा गया और अंदर भी काउंटर की जो लॉक वगैरह वो भी तोड़ के उसमें जो थोड़ा बहुत कैश रखा हुआ था वो लेके गए और इसके वजह से मैं अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। लगभग कितने की चोरी मान के चलो वही उसमें कैश थोड़ा बहुत पड़ा रहा 5-10 हज़ार रुपये, बाकी अलग से और जो पड़ा हुआ था वो ले जाने में असक्षम रहे वो। ये मंडी में ये कितनी चौथी ये कौन सी घटना ये हमारे घर अब पूर्व में भी 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं। ये हमारी लगभग 5वीं घटना है हमारे यहाँ पर। इस घटना को जो चोर ने अंजाम दिया उसका क्या फुटेज वुटेज क्या कुछ है? हाँ, अभी मेरे मोबाइल में फुटेज मिला हुआ है, बाकी अभी उसमें क्लियर नहीं आ रहा है। उसके आधार पर और आगे देखता हूँ। मंडी की व्यापारी क्या मांग करते हैं? मंगी हम लोगों की मांग यही है, अभी अगर ये घटनाएं अगर बंद नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल भी की जा सकती है। आगे के लिए हम लोग की ये प्रक्रिया चल रही है। मतलब मंडी के अंदर आपको कोई व्यवस्था नहीं मिली? कोई व्यवस्था नहीं मिल रही मंडी के अंदर। यहाँ पर आए दिन की यही समस्या है। मंडी कर्मचारी जो प्रभारी हैं वो भी उनसे अगर बात की जा रही है तो आगे के लिए ऐसा मतलब आगे समाधान के लिए आश्वासन देते, बाकी अभी तक कोई आश्वासन नहीं है यहाँ पर, ना कोई समाधान मिला हम लोगों को। आपका नाम? हमारा नाम भूरा ठाकुर, वन इंटरप्राइजेस के संचालक। सर ये कहाँ पर किस तरह की घटना घटी है, क्या शिकायत मिली? ये कृषि उपज मंडी में शेड नंबर 7 है, जहाँ चना की खरीदी बिक्री होती है। वहाँ पर कल इतवार था तो कल मंडी बंद रही। किसी ने पीछे दीवार की ईटा उखाड़ कर घुसा है और चोरी करने का प्रयास किया गया है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? अब ये जो भी है तो मंडी परिसर में जितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वो सारे मूवमेंटों को देखा जाएगा और उसको जो भी जांच में आएगा फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।